तो थोड़ा बहुत सेटिंग हो गई हमारी। सेटिंग करने में काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। तेजस, पंखा कहाँ है बाबू? पंखा कहाँ है? पंखा पंखा कहाँ है बेटा? ऊपर है। वेरी गुड। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ इवनिंग से, तो अभी शाम के बज गए हैं 6 और अभी हम लोग आज पूरा दिन सेटिंग वेटिंग ही कर रहे थे। तो थोड़ा बहुत सेटिंग हो गई हमारी। सेटिंग करने में काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत फिर भी हमने कर ली है। और अभी मैं बना रही थी मंदिर अभी शाम के टाइम, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ब्लॉग की भी शुरुआत कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने मंदिर कहाँ पर बना रखा है, और फिर मुझे बहुत सारे घर के काम भी करने हैं। पानी भी मैंने भर लिया है क्योंकि अभी यहाँ पर पानी भी बाहर से भरा रहता है, और यहाँ पर थोड़ा आदत सी नहीं हो रखी है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी। और अपनी गुन्नू की भी बहुत याद आ रही है, आंटी लोग सब की बहुत याद आ रही है हमको। खाली खाली सा लग रहा है एकदम से, बट कोई बात नहीं, फिर थोड़ा दिनों बाद तो आदत पड़ ही जाएगी। लेकिन गुन्नू की तो काफ़ी याद आ रही है हमको। गुन्नू के ब्लॉग देख लिए तो उससे मैं बता दूँ कि उसकी याद मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मंदिर कहाँ पर बनाया है और अपने घर की कैसे सेटिंग कर रखी है, तो देख चलिए मेरे साथ। शाम का समय है तो सब लोग बाहर को घूम रहे हैं, ये किचन में तेजस को घुमा रहे हैं, और मैंने थोड़ा बहुत ऐसी सेटिंग कर रखी है अभी। तो अभी यहाँ पर पर्दे भी लगाने हैं, सारा सामान ऐसे ही पड़ा है, और मैंने मंदिर बनाया है यहाँ पर पर्दा लगा के, क्योंकि काफ़ी जगह काफ़ी कम है, तो मैंने यहीं पर पर्दा लगा के मंदिर यहाँ से ऐसे ही बनाया है अभी थोड़ी देर पहले। अभी मैं यहाँ पर पूजा करूँगी, और क्योंकि यहाँ पर जगह भी नहीं मिली तो दिशा का ध्यान भी रखना पड़ता है मंदिर बनाते समय, तो दिशा यहीं पर मिली, और अगर उस साइड हम बनाते तो दिशा गलत हो जाती है। तो पूरब की साइड में हमने ये चूज़ किया है, यहाँ पर दीवार के यहाँ पर मेज लगाया हमने, टेबल लगाई उसके ऊपर ही हमने मंदिर बना लिया, क्योंकि जगह बहुत कम है और फिर अंदर के बेडरूम में तो लोग सब सोते हैं, तो हम वहाँ पर मंदिर नहीं बनाया मैंने, तो यहाँ पर हमने बना लिया मंदिर। अभी मैं यहाँ पर पूजा करूँगी, पहले मैं देख लेती हूँ बाहर क्या चल रहा है। दादी गए हैं बाहर, और आप बाहर जा रहे हो? ना गर्मी बहुत हो रही, दादी को बुला लो। ना तो पंखे चलने लग गए हैं, गर्मी हो गई है, और तेजस को देखो कैसे पंखा देख रहा है। तेजस, पंखा कहाँ है बाबू? पंखा कहाँ है? पंखा पंखा कहाँ है बेटा? ऊपर है। वेरी गुड। ऊपर कौन है? भगवान जी कहाँ है बेटा? भगवान जी कहाँ है? बोलो भगवान जी कहाँ है? भगवान जी, गंदी बात। भगवान जी कहाँ है बेटा? भगवान जी कहाँ है? कहाँ है बेटू? हाँ वो है भगवान जी। जय बोलो, दिखाओ ना भगवान जी, दिखाओ उसको बेटा। जय बोलो, जय बोलो भगवान जी को, बोल जय बोलो बेटा, जय बोलो। कहाँ है भगवान जी? नो, ऊपर तो फैन है। जय बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जय बोलो। और बेटा तुमने क्या खाया? क्या खाया तुमने? कुछ नहीं खाया। बेटा बताओ क्या खाया आपने? तेजस क्या खाया बेटा आपने? क्या खाया बाबू? दिखाओ क्या खाया, दिखाओ जल्दी, दिखाओ। हम वहाँ लगाऊंगी, जल्दी दिखाओ, दिखाओ दिखाओ बेटा, दिखाओ दिखाओ बाबू। हाँ वेरी गुड, कुछ नहीं खाया बच्चे ने। तो तेजस को क्या खाया बोलो तो, ऐसे मुँह दिखाता है वो, बड़ा मज़ा आता है हमको क्या खाया कहने में। और हमने अपनी कृष्ण भगवान की मूर्ति जो पिछली बार उस दीवार में लगाई थी, वो यहाँ पर लगा दी हमने। ये मेरी बेस्ट है, मेरे तेजस के होते टाइम पे मैंने ये अपने कमरे में लगाई थी, सुबह शाम उठ के देखने को यही मिलेंगे करके, और इसीलिए अभी यहाँ पर हमने लगा दी है। दादी को भी ऐसी चीज़ें काफ़ी पसंद है तो यहाँ पर लगा दी है। और ये हमारे दूसरे भगवान जी, ये भी कृष्ण भगवान जी हैं, ये हमने इस दीवार में लगा दिए हैं। तेजस क्यों रो रहे हो बेटा? बाहर जाओगे बाबू, चलो बाहर जाते, दादी भी तो बाहर हैं। पंखा बंद कर लो, अभी तो हवा आ रही है वैसे। चलो मैं भी आ रही हूँ, तो दादी भी बाहर पे बैठे हुए हैं। दादी आ जाओ, पंखा चलाएंगे, अंदर ही आ जाओ, अंदर ही आ जाओ, पंखा चलाएंगे।
आओ फिर खोलेंगे, आ जाओ आ जाओ। मच्छर आ रहे देखो अंदर ही सारे, आ जाओ। वो मच्छर उड़ रहे, छी मच्छर की तारे हैं, मच्छर भी आ रहे हैं अंदर। रोचू दादी को बुला लो, अंदर ही बैठेंगे, पंखा चला लेंगे, कोई बात नहीं। तो अभी मैंने किचन में भी कोई तैयारी नहीं कर रखी है, ऐसे आलू वालू सब फैला रखे हैं। मैंने पहले सोचा कि पहले मंदिर बना देती हूँ क्योंकि पूजा करने के लिए अच्छा रहेगा। तो अभी मम्मी चाय पी, तो गुड़ भी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। और मम्मी थोड़ा लहसुन छील के गए हैं, अभी उल गए हैं सब्जी लेने के लिए। ब्लॉग में मम्मी को नहीं ले पाती क्योंकि शाम के समय मैं ब्लॉग बनाती हूँ, दिन भर में तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाती क्योंकि काम रहता है काफ़ी, तो आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मम्मी का मैं ब्लॉग में ले नहीं पा रही हूँ, मम्मी शाम को चले जाते हैं और मैं घर में आती हूँ। फिर उसके बाद मम्मी बाजार वजार या घूमने या कुछ भी काम होते तो शाम को ही कर पाते हैं क्योंकि तेजस को देखना होता है। मुझे तो ऐसे घर की शौक है ना कि घर छोटा सा घर हो और आगे से आम के पेड़ हो। आम का पेड़ तो यहाँ पे भी बैठे हैं, अच्छा है आम का पेड़ है, हवा चल रही है, हवा भी चलती है और फूल के भी पेड़ हैं। मुझे मेरा ड्रीम हाउस ऐसा था कि एक छोटा सा घर हो जिसमें दो तीन कमरे, ज़्यादा घर बड़े घर की भी मुझे वो नहीं थी, तमन्ना नहीं थी, छोटे से घर की थी। बट अभी तो नहीं है, बट है तो सही लेकिन पहाड़ में है, लेकिन अभी तो हम यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हो ऐसा मैं सोचती हूँ तो काश का भी बन जाए। लेकिन मेरा ड्रीम हाउस ऐसा था कि दो तीन कमरों का एक छोटा सा घर हो सुंदर सा, और उसमें आगे से आम के पेड़ हों, कुछ फूल हों और कुछ एक क्यारी हो जिसमें मैं कुछ लगा सकूं, फूल लगा सकूं वगैरह वगैरह। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हमने पहाड़ में ऐसा काम भी किया है तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है। कुछ बोले हम उस खेत में और धनिया पुदीना वगैरह और फूल वूल, क्यारी में फूल लगाएं, गमले लगाएं, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। बट अभी तो नहीं है, भगवान से प्रे करती हूँ कि हो जाए भगवान की मर्ज़ी आके, पर अभी जो भी है ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी चल रही है ज़िंदगी, कट रही है। अगर अपना घर बन गया तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। तो अब मैंने थोड़ा बहुत तो अपने ड्रीम हाउस के बारे में आपको बताया। हाँ, अभी मैं ये कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ क्योंकि कहानी सुनाने में लग गई तो पूरी शाम निकल जाएगी। और मेरे को तो खाना भी बनाना है और आटा भी गूंदना है, पानी भरा है मैंने केवल बस, क्योंकि पानी यहाँ पर हमको बाहर से भरना पड़ता है। अंदर डायरेक्ट पानी की लाइन नहीं है, टैंकी वाली है, तो टैंकी का पानी तो पीने में यूज़ नहीं कर सकते हम, तो हमको बाहर से भर के अंदर रखना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं बाल्टी में पानी भर लाई थी तो देखिए, तो ये मैं पानी भर के ले आई थी, मैंने इसमें रख लिया थोड़ा पानी और इस बोतल में भी पानी भर लिया पीने के लिए, फिल्टर से इसमें डाल दिया था और इसको भी मम्मी ने भर दिया है। और इसके नीचे भी पीने का ही पानी रखा है क्योंकि अगर पानी नहीं आया गर्मी के दिन है तो हमें पानी की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये देखिए बर्तन धोने का पानी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं आराम से, हमें सुबह शाम दिन 24 घंटे मिलता है। और ये फिल्टर है, इसमें हमने पीने का पानी रखा हुआ है। तो मैं थोड़ा आलू आलू प्याज व्याज काट लेती हूँ, आज आलू प्याज और टमाटर की सब्जी मैं बना लेती हूँ क्योंकि अभी मम्मी सब्जी हम कल भी नहीं जा पाए, परसों भी ऐसे रह गया हमारा, अब शिफ्टिंग के समय हम कुछ नहीं कर पाए। तो अभी हमने सामान भी ख़त्म ही हो चुका लगभग सब्जियाँ, तो अभी आलू टमाटर प्याज ही बचा है तो इसी को मिला के मैं सब्जी बना लेती हूँ। और दादी को तो हमारी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो अभी वो पंखा चला लिया हमने और वो दादी अंदर आ गए हैं। अभी बाहर भी हवा कम ही चल रही है, गर्मी के दिन आ गए हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि हम पहाड़ में रहने वाले थे 2 साल में यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी इन 2 सालों में, 3रा साल है, देखते हैं कैसा होता है। तो हम इस साल सोच रहे कि गर्मी में थोड़ा टाइम पहाड़ की ओर चले जाएंगे पापा के घर पर और वहीं पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और थोड़ा ठंडी हवा भी तो सही लगेगा। अभी मैं बात यहीं पर ख़त्म करती हूँ और थोड़ा आलू काट लेती क्योंकि रात हो गई है, खाना मुझे बनाना है। तो मैं छिलती हूँ पहले आलू, देखती हूँ जल्दी जल्दी आलू छील लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्जी चढ़ाऊँगी और उसके बाद मैं आटा गूंद के फिर आपको दिखाऊँगी पूजा कर लूँगी। तो मैं जल्दी जल्दी प्याज काट लेती हूँ, मम्मी छील के चले गई थी तो आलू भी मुझे छीलने होंगे और आटा भी मुझे गूंदना है। तो मैं जल्दी जल्दी प्याज काट लेती हूँ, आलू टमाटर प्याज की सब्ज़ी मुझे बनानी है। तेजस बाबू यहाँ मत आओ, बच्चा तेजस बेटा
कैसे बंदा पंखा चला लो, कुछ नहीं होता है, मैं वो कर लूंगी दिया, कुछ नहीं होगा, वो पर्दा लगाऊंगी एक साइड को। आलमा बोची, आलम मेरे बोची, अच्छा हमारा बहुत पूजा करेगा यहाँ पर। हाँ ये धूप को भी अच्छी करेगा, जलाना जान दिया जलाना। हाँ हाँ ये देखो दादी क्या कह रहे, दादी ने कहा इसको यहाँ पे जला देना और आप नीचे मत गिराना इसको, इसको गिराना दादी, इसको यहाँ पे आप ये गिर सकता है ना। आप बोलो पहले भगवान जी को, जय बोलो बेटा, जय बोलो, जय करो बेटा, मेरा बच्चा जय करेगा, जय करो बेटा, जय करो तेजस, जय बोलो बेटा, जय बोलो, जय करो, पहले मैं नहीं छोड़ूंगी वरना, फिर पहले जय बोलो, जय करो, जय कैसे करते हैं तेजस, कैसे करते हैं वो मंदिर का जो सामान होता है जो बिछाया था वो क्यों नहीं लाए? अब मैं उसको ना नया लाऊंगी, इसको चेंज करूंगी ना, इसमें बिछाऊंगी मैं वो लक्ष्मी चौकी। हाँ फिर अभी मतलब आज टाइम नहीं हुआ ऐसे ही बना दिया। हाँ। और लक्ष्मी चौकी लाएंगे यहाँ पे चिपकाएंगे, बाकी यहाँ से नीचे पड़ता है इसको नहीं लगाएंगे, ये गिर जाएगा ना, इसमें लक्ष्मी चौकी चिपकाऊंगी मैं। हाँ। कल ही जाऊंगी पहले तो, कभी क्या पता नीचे मिल जाए दो नहरे में। हाँ। हाँ, फिर इसको यहाँ पे पड़ता नीचे को, और बाकी हम फिर यहाँ से फूल माला थोड़ा अच्छा हो जाएगा, अभी तो मैंने वैसे बना दिया ना। तो मैंने पूजा कर ली है अब, और दादी परेशान कर रहा है दादी को, तो मैं फटाफट फटाफट सब्जी बना लेती हूँ, मम्मी लोग अभी तक नहीं आए हैं, अभी चाय भी मुझे बनानी है, तो मैं फटाफट सब्जी बना लेती हूँ, मेरे को आटा भी गूंथना है, आटा भी मैंने निकाल दिया है छानने के लिए, छान के निकाल दिया है, तो ये मैंने आलू काट लिए हैं, और सब्जी मैं प्याज या टमाटर पकने के लिए मैंने यहाँ पर रख दी है, देख लेती हूँ थोड़ा सा, और मैं गूंथ रही थी फटाफट आटा। क्या कहते हैं दादी को तेजस बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो दादी बहुत परेशान हो जा रहे हैं, और अब मुझे ज़्यादा सहन नहीं कर पाते ना वो, इसलिए तेजस बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं आटा भी गूंथ लेती हूँ, साथ साथ मेरे टमाटर भी पक गए हैं, अब मैं इसको फटाफट फटाफट गूंथ लेती हूँ, अब मेरे थोड़ा बहुत काम हो जाएंगे, अब मम्मी लोग आ जाएंगे, तो मैं कुछ चाय भी बनानी है अभी, तो क्या शाम की चाय अभी बनी हुई है, मम्मी लोग जल्दी ही निकल गए थे, तो शाम की चाय भी हुई नहीं है, तो मुझे अभी चाय भी बनानी है, चाय चढ़ा के मैं थोड़ा जल्द साथ ले जाऊँगी, अगर टाइम मिला तो, टाइम भी मिलना मुश्किल हो रहा है सब, तो जल्द शाम की टाइम स्पेंड करने का, तो आटा लेकिन दिया में जलाना लक्ष्मी चौकी चिपका रही थी, अगर वो नहरी जाने चौकी चिपका देंगे नीचे ऊपर बस दांतन हाथ में पर बहुत महंगी है यार, तो कोई बुढ़िया फोटो और चीजें नहीं आई थी, शिमला मिर्च 20-60 रुपये किलो है, भिंडी 40 रुपये गए थे, बिल्कुल बेकार सब्जी लाई थी। चलो कल के भी हो जाएगा, सुबह लौकी बना देना या ठंडी मेरी कॉफी लगती है।
तो ये गोभी और ये गोभी कैसी लगी मगर अच्छी तो बहुत मिली है यार 10 रुपए की मम्मी लौकी तो ना ये मिर्ची तो बहुत मिली है और मैं बना रही थी चाय दूर चले गए कह रहे ना ना गुनू लोग नहीं आए थे ना पता नहीं आंटी देखे मैंने उसके वहां देख रहे थे वो वहां पे बड़ा सुनसान सा लग रहा था आए देखे तुमने हैं नानी चलते हैं करोगे रुक जाओ नानी क्या कहते हैं तुम चाय पियोगे ना ओ नानी चाय पियोगे दो सिपाही लड़े पेड़ के पत्ते लड़े क्या कहा दो सिपाही लड़े पेड़ के पत्ते चाय में और क्या मैं रोटी बनाऊंगी और थोड़ी देर नानी के साथ बातें बातें तेज के साथ खेलना बज गए हैं 8 हूँ 8 बजे आने में सब्जी मिल गई 8 बजे आने हैं और उसके बाद थोड़ा तेजस के साथ बात चाय पीते हैं उसके बाद फिर हम लोग रोटी बनाएंगे रेस्ट हो जाएगी काफ़ी थकान भी हो गई कल से थकान भी गई नहीं है तो थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो मैं आप इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ समाप्त और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय।